वेलकम बैक नाज़रीन, और जो गुफ्तगु है उसको वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अडाप्टेबिलिटी की बात हो रही थी इमरान और सवेरा, आप भी इस हवाले से कोई पॉइंट उठाना चाह रही थी कि अडाप्टेबिलिटी तो है ही है, हमने अडॉप्ट किया बहुत सारी चीज़ों को, लेकिन कुछ ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने कुछ ज़्यादा ही चीज़ें अडॉप्ट कर ली और इतना अडॉप्ट कर लिया कि आज वेस्ट इंडीज़ जो चैम्पियन है, पहले दो वर्ल्ड कप्स की, आज वर्ल्ड कप नहीं खेल रही, तो एक अहम पॉइंट आपने उठाया था। बिल्कुल, जिस तरह अभी बात हो रही थी, पीजे मीर साहब ने जो है वो क्लाइव लॉयड का जिक्र किया, तो मुझे एकदम से जहन में वेस्ट इंडीज़ की टीम आई, क्योंकि हम 75 के इस वक्त वर्ल्ड कप की यादें ताज़ा कर रहे हैं, तो द चैंपियंस ऑफ 75 एंड 79 वेस्ट इंडीज़ कुड नॉट मेक टू दिस वर्ल्ड कप इन 2023, यानी 13वें एडिशन में, जो पहले और दूसरे एडिशन की चैंपियंस थे वो 13वें एडिशन में नहीं हिस्सा बन सकी हैं। अडैप्टेबिलिटी, कभी कभार ओवर अडैप्टेबिलिटी भी एक मसला हो जाता है, बिकॉज दे आर सो ट्यून टू T20s एंड T10s नाउ के वो ODI के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर सके। बिल्कुल पीजे मीर साहब, ये बड़ा अफसोस का कमर है कि पहले दो वर्ल्ड कप्स की चैंपियन वेस्ट इंडीज आज क्वालिफाई भी नहीं कर सके। वो देखें, इसके कई व्यू पॉइंट्स हैं। 75 में अगर आप देखें, 73-74, उसके अंदर वेस्ट इंडीज़ में भूख थी क्रिकेट की, और लंबे जितने भी प्लेयर्स आते थे बॉलर्स, वो उसी एरा की पैदावार है। मुझे याद है 76 में जब मैं क्रॉम्पटन खेल रहा था, तो नया एक लड़का आया था, जोल गार्नर, उसका हाथ नज़र नहीं आता था स्क्रीन के ऊपर से, तो उसने गैरी सोबर्स को रिप्लेस किया हुआ था। अब ये जो नए लड़के आए, इनके पास एक एवेन्यू थी। देखें, वहाँ बड़ी पावर्टी है वेस्ट इंडीज़ में, तो वो लोग इधर आ गए क्रिकेट के अंदर। अब जो सवाल उठता है, आज अभी सवेरा ने जो उठाया है कि अब क्यों नहीं है, क्योंकि जो छोटी हाइट के हैं, अपार्ट फ्रॉम मैल्कम मार्शल, इतने कोई नहीं है ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स। अब वो सारे लंबे जो हैं वो चले गए बास्केटबॉल में, वो जाके अमेरिका में बास्केटबॉल दे में एक मोमानी देर इन कंपेरिजन टू यू नो क्रिकेट, और वो उनका रुझान उस तरफ चला गया। एंड दिस इज़ प्रॉबली वन ऑफ द मेनी रीजन्स कि आज वेस्ट इंडीज़ वहाँ नहीं है। फिर इनके अंदर जो मुश्ताक भी आपको बताएंगे कि उनके अंदर एक हर आइलैंड के अंदर एक अपनी राइवलरी है। वो बारबाडोस कुछ कहता है, एंटीगा कुछ कहता है, इधर से यू नो जमैका कुछ कहता है, इनकी अपनी इंटरनल राइवलरीज बड़ी हैं, जिस तरह हमारी भी है। तो उसके अंदर ये जो चीज़ होती है, फिर क्रिकेट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्विंडल कर जाती है। फिर एक आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर को निकल आता है, ब्रायन लारा जैसा, बिल्कुल, वो फिर क्रिकेट को रिवाइव कर देता है। फिर मैल्कम मार्शल 79 में, मैं जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा था, तो मुझे गॉर्डन ग्रीन ने जो मुश्ताक कहा कि वॉच दिस पिच, व्हाट काइंड ऑफ अ बॉलर ही इज़, तो मैंने कहा ओके लेट मी गो इन द नेट्स। मैंने वो ट्रैक सूट पहन के, यार उसका गेंद नज़र ना आए, इतना तेज था लड़का वो। 79 का पहला टूर था उसका ऑस्ट्रेलिया का। सो लड़के ये लेके आते हैं, लेकिन बात यह है कि लड़के हमें चाहिए कि जिस तरह मुश्ताक अभी बात कर, हमें लड़के बनाने हैं। बिल्कुल ठीक। तो जब तक लड़के नहीं बनाएंगे और कहेंगे मैं ही हूँ, आई एम सॉरी क्रिकेट और एनीथिंग डजंट, बिल्कुल सही है। इससे पहले हम 79 पे इमरान बड़े उसी भाई ने कुछ कहना चाहा, ये पता है क्या है, ये पीजे साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा किस्म का डिस्क्राइब किया वेस्ट इंडीज क्रिकेट को, बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, मैं 2 साल इनकी कोचिंग करके आया हूँ। अभी 2019 का वर्ल्ड कप, आई वॉज सिटिंग इन द ड्रेसिंग रूम, वेस्ट इंडीज़ के ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ था, और मैंने 2 साल वहाँ पे ड्रेसिंग रूम को शेयर किया क्रिस गेल से लेके सबसे। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकली एवरी आइलैंड टू एवरी आइलैंड दे हैव द ओन प्लेयर, वो अपना ओन नहीं करते वेस्ट इंडीज़ टीम को। आई एम सॉरी टू से दिस, हार्श रियलिटी है, बट दिस इज़ अ रियलिटी। अब क्या करते हैं, पैसा IPL वालों ने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड को फेंका है, 10% उनको पैसे देते हैं टू लेट द प्लेयर गो टू प्ले IPL, बिकॉज वेस्ट इंडियन प्लेयर एक फ्लेवर बन चुका है, एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि जो उनके प्लेयर जाके जिस लीग में भी खेलते हैं वो लीग को उठा देते हैं। उनके एक्शन, उनके आउट करने के स्टाइल, उनकी पावर हिटिंग, उनकी फास्ट बॉलिंग, यू कैन नेम वट एवर यू वॉन्ट टू, बट द एंड ऑफ द डे जो स्टोरी है ना, वो इसलिए वहां पे उनके क्रिकेट नीचे चली गई है कि उन्होंने बेसिक्स को छोड़ के पैसे के पीछे चले गए हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस भी, उनके आइलैंड्स भी और उनके प्लेयर्स भी। अब दे आर वेरी कोचेबल टीम, ये कोचेबल टीम का जब मैं कहता हूं ना एज ए कोच, कि उनके अंदर इतनी हंगर है अभी भी, क्योंकि जैसे पीजे साहब ने कहा गरीबी है वहां पे, गरीब लोग हैं, तो अभी भी जाके आप किसी को, निकोलस पोरन को कहो, क्रिस गेल को कहो कि तुमने ये ठीक करना, कितना बड़ा नाम है, वो स्टिल ही वॉन्ट्स टू लर्न। मगर क्या करते हैं कि जब उनको कहते हैं ना कि उनके गोल्स डिफरेंट हो चुके हैं, पैसा इतना आ गया अब T10 में, 2020 में, दे डोंट बॉदर टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट। आप रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, बाउंसर्स को नहीं खेलते, आप 2020 में भी एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। सो ये गेम जितनी मर्जी 75 से लेके
टिल द डे ऑफ जजमेंट, जिसकी बेसिक्स तगड़ी होंगी वही प्लेयर कामयाब होगा जो मर्जी करे। तो 79 की जानी बढ़ते हैं अब इसके। बिल्कुल 79। अच्छा 75 से पहले ये मैं एक थोड़ा सा स्टैट्स लेके आया हूँ। जी जी। मैंने प्लान करके आया था कि जो ये 75 की टीम है ना जो वेस्टइंडीज जीती है, अब एजेस को देखना, एक एक वर्ल्ड कप के सारी चैंपियंस जो टीमें ना उनकी एज देखनी है आपने। okay. ये कितना मैटर करता है कि आपने टीमों को जब बनाना होता है उनकी टीमों के एज ग्रुप कैसे होने चाहिए, सीनियर और यंगस्टर्स का कितना मैचअप है। बिल्कुल. आपका क्लाइव लाइव 31 है, 32, 33, 41, 24, 30, 25, 26, 40, 32, 23, 24, 32, 26, ये मैं सबके नाम नहीं ले सकता क्योंकि लंबा टाइम हो जाएगा। ये सारे वो वेस्ट इंडियन प्लेयर हैं जिनकी एजेस हैं। अब अगर 79 में जाएंगे जो टीम चैंपियन होगी, मैंने ये निकाला है क्वेश्चन जो 92 का हम भी जीते पाकिस्तान भी, उसमें 5-6 सीनियर प्लेयर होते हैं, 8-9 जो यंगस्टर्स होते हैं, कहते हैं पैशन मेक यू यंग, पैशन मेक यू यंग और थिंकिंग मेक यू वाइज।